अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। وعليكم السلام। वालेकुम अस्सलाम। चले भाई शुरू करते हैं। अच्छा जी, हम लोग कल बात कर रहे थे न्यूमेरिकल्स की, और हम लोगों ने जो है वो कल ये बात की थी कि अगर हमें डेंसिटी या मॉलिकुलर मास मालूम करने को दे दिया जाए तो हम बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। हम दो फॉर्मूले यूज कर रहे थे, आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू अंडर रूट डी टू अपॉन डी वन, और हम दूसरा यूज कर रहे थे आर टू अपॉन आर वन सॉरी आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू अंडर रूट एम टू अपॉन एम। अच्छा जी, मैंने आपको ये बात भी बताई थी यहाँ पर कि भाई आपको हमेशा जिसका मास कम होगा उसे आर वन लेना है और जिसका मास ज्यादा होगा उसे आर टू लेना है। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे ये बात लिखी थी, देखें आप लोगों को मैं यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने ये बात लिखी है यहाँ पे कि अगर हमारा मास छोटा होगा तो आर वन, या अगर रेट ज्यादा होगा तो आर वन। यानी आर वन किसको लेना है, हम सबसे पहले उसको पहचानेंगे कि वन कौन होगा। वन वो होगा जिसका मास कम हो, या वन वो होगा जिसका रेट ज्यादा हो। तो अब हम इसी को जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास मामला क्या है कि हम जो है वो एक नया फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, और नया फॉर्मूला हम वो ड्राइव दिखा करेंगे। दें पिछले का, दिखा दें। मैं कल क्लास में था तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप दिखा दो, तो मुझे थोड़ा मैंने क्लास में स्क्रीनशॉट भेजे थे भाई ग्रुप पे। मैं नहीं था कल क्लास में मैंने सर। ग्रुप पे तो भेजा ना, ग्रुप पे तो हो ना, जी जी चले सर, ग्रुप पे देखो ना। जी। तो आज हम एक नया फॉर्मूला ड्राइव करना चाहें। हम फॉर्मूला ये ड्राइव करेंगे कि अगर हमें वो टाइम मांग ले कि भाई कौन सी गैस कितने टाइम में डिफ्यूज हो रही है, तो क्या हम मालूम कर सकते हैं। तो मैंने याद करें आपको, जब हम लोग पढ़ रहे थे ये चैप्टर स्टार्ट हमने किया था, यानी चैप्टर नहीं सॉरी, हमने ये टॉपिक जब स्टार्ट किया था ग्रैम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो मैंने आपको कहा था कि रेट होता क्या है। याद करा देता हूँ मैं आपको पिछले नोट्स में लेके जाता हूँ आप लोगों को। हमारा कहाँ गया पिछले नोट्स में, ये रहा। हाँ जी, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई ये देखें ना, टाइम ओवर टाइम रेट की बात हो रही है, इसका मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर बात हो रही है। और वॉल्यूम अपॉन टाइम, हमने कहा था कि अगर हमें रेट ऑफ गैस मालूम करना हो तो हम कैसे मालूम करते हैं, वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो मैं अभी दोबारा से अपने पास वहीं आ जाता हूँ जहां हम पढ़ रहे थे। यानी हम रेट को क्या कह रहे हैं,
हम कह रहे हैं कि रेट जो है, जो आर है, उसे हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, वॉल्यूम अपॉन टाइम। ऐसा ही है कि हम ये बात कह रहे हैं कि अगर एक गैस डिफ्यूज हो रही है या इफ्यूज हो रही है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम में हो रही है। जैसे मैं कहूं कि भाई मेरे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर ऑक्सीजन गैस है, उस ऑक्सीजन गैस में से या उस कंटेनर में से जो ऑक्सीजन डिफ्यूज हुई तो उसको जो है वो 50 सेकंड लगे। अब 50 सेकंड के अंदर मैं ये भी तो बताऊंगा ना कि कितनी ऑक्सीजन गैस निकल गई। तो इसीलिए रेट क्या है, वॉल्यूम अपॉन टाइम। रेट क्या है भाई, वॉल्यूम अपॉन टाइम। क्यों? क्योंकि जब भी रेट की बात होगी तो टाइम तो होगा, जब भी रेट की बात होगी टाइम तो होगा। और ये बात मैं आपको दोबारा याद कराता हूं कि मैंने आपको ये बात कही थी कि जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी एक शख्स ने या एक बॉडी ने एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया और उसको कवर करने में कुछ वक्त तो लगा होगा ना। जैसे मैं अभी अपने घर से आ रहा हूं, तो अगर मैं अपने घर से कहीं पहुंच रहा हूं तो यकीनन मुझे कुछ वक्त लगा होगा ना, वक्त रुक तो नहीं गया। तो इसीलिए इस चीज को हम क्या कहते हैं, रेट। तो रेट क्या है, रेट गैस का क्या है, वॉल्यूम अपॉन टाइम। यानी अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन टी, यानी आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन टी। अब मुझे बताएं कि अगर R1 होगा तो हम इसे क्या ले लेंगे, V1 अपॉन T1, और R2 होगा तो हम इसे क्या ले लेंगे, V2 अपॉन T2। अब मुझे बताओ हमारा फॉर्मूला क्या था, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। अब मैं M2 और M1 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अगर हमें गैस गिवन होगी तो हम उसका मॉलिक्यूलर मास आसानी से पता कर सकते हैं, डेंसिटी नहीं गिवन हो अगर, इसलिए हम यहाँ M2 और M1 ले रहे हैं। अब अगर मैं R1 की जगह पर V1 अपॉन T1 रख दूं और R2 की जगह पे V2 अपॉन T2 रख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, कोई फर्क नहीं आएगा। कोई फर्क नहीं आएगा ना भाई। तो जब कोई फर्क नहीं आएगा तो हम इसको यहां पे पुट कर देते हैं भाई। चले भाई अब पुट करते हैं हम यहाँ पर, R1 अपॉन R2 की जगह पे हम लिख देते हैं क्या, V1 अपॉन T1 अपॉन V2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों की आसानी के लिए थोड़ा सा ऐसे एक्सपेंड करके लिखूंगा। अच्छा जी, एक्सपेंड क्या करूंगा, मैं एक्सपेंड करूंगा मैं इसको इस तरीके से कि मैं V1 अपॉन T1 को ऐसे लिख दूं ना, V1 अपॉन T1, और फिर ये अपाउन में है तो ये हो जाएगा डिवाइड V2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू M2 अपॉन M1। हाँ जी, मैंने इसलिए रखी कि मैं नया फॉर्मूला बना रहा हूँ ना, इसलिए मैंने रखी है, क्योंकि अगर मैं आपको एक सवाल अभी करवाता हूँ तो उस सवाल में जो है वो थोड़ा सा मामला डिफरेंट होगा, तो इसीलिए मैं पहले वो फॉर्मूला आपको बता दूँ कि वो बनेगा क्या। तो भाई V1 अपॉन T1 इज डिवाइडेड बाय V2 अपॉन T2। ये डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो V1 अपॉन T1 और मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा T2 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना,
अब ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अब हम इनको ऐसे ना लिखते हैं, वी वन टी टू अपॉन टी वन वी टू इज इक्वल्स टू अंडर रूट एम टू अपॉन एम वन। एक नया फॉर्मूला बना हमारे पास, और फॉर्मूला ये बना हमारे पास कि वी वन टी टू अपॉन वी वन टी टू अपॉन जी बेटे वी टू ओवर टी टू को ही सिर्फ रेसिप्रोकल किया है। जी रेसिप्रोकल करेंगे ना, डिवाइड का साइन तो इसके लिए ना, तो डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में बदलेगा तो वी टू अपॉन टी टू, टी टू अपॉन वी टू हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला बना, वो नया फॉर्मूला क्या बना भाई कि अगर हम क्या कर लें, आप डेरिवेशन लिख लिएगा टू फाइंड वॉल्यूम एंड टाइम के लिए, आप यहां से लिखना शुरू करोगे। ठीक है जी, इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर वन का नाम, इसे दे दो इक्वेशन टू का नाम, इसे दे दो इक्वेशन थ्री का नाम, और यहां मैं वर्डिंग लिख दूं सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ आर वन एंड आर टू इन इक्वेशन थ्री। फिर आप नीचे ये पूरी डेरिवेशन करके ये लिख लो, अपने पास कॉपी करो ये फटाफट, फिर मैं एक सवाल कराता हूं आपको। हेडिंग क्या होगी इसकी बेटे? इसी के आगे शुरू करता हूँ मैं, हेडिंग इससे जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर में कोई ये डेरिवेशन तो नहीं है ना, बट ये हमें न्यूमेरिकल करने के लिए चाहिए, तो सिर्फ अपने पास लिख लो, ये एक रफरी तौर पर लिखवा रहा हूँ, याद फॉर्मूला करो मैं आपको। सर ये काम आप भेज देंगे ना ग्रुप पे? जी जी बिल्कुल। नहीं बेटे, पेपर में डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, पेपर में तो फॉर्मूला याद करके जाना है। हाँ बेटा, फेसबुक पे हो जाता है, फेसबुक पे भी हो जाता है, और जो है वो हमारा यूट्यूब का एक चैनल है, आप लोग वहाँ पे शायद जाएं तो सब्सक्राइब कर लेना, एस जे सी मद्रास कैंपस के नाम पे यूट्यूब का चैनल है, वहाँ पे सारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। ठीक है जी, तो आप वहाँ जाएं, वहाँ से देख लें। बेटा पेपर में जो डेरिवेशन आती है ना, वो जो हमने शुरू में पढ़ी थी वो वाली आती है, और एक आपी भी इक्वल्स टू एनआरटी आती है इस चैप्टर से। हाँ जी, कर लिया होगा यकीनन कॉपी, मैं नीचे कर लूँ थोड़ा सा।
सर ये YouTube चैनल को SJC मद्रास कैंपस, SJC मद्रास कैंपस, SJC मद्रास कैंपस। हाँ जी, सवाल देखें आप लोग, सवाल को पढ़ते हैं हम कि H2 गैस इफ्यूज फ्रॉम अ 10 डेसीमीटर क्यूब वेसल इन 10 सेकंड। कि भाई हमारे पास एक वेसल है, ठीक है जी, ये कंटेनर है, ठीक है जी, ये एक कंटेनर है हमारे पास, इसके अंदर कौन सी गैस है भाई? H2 गैस है और उसका वॉल्यूम कितना है? 10 डेसीमीटर क्यूब। वो यहां से क्या हो रही है? इफ्यूज हो रही है। और इसको इफ्यूज होने में कितना टाइम लग रहा है? 10 सेकंड लग रहे हैं। हमारे पास एक और कंटेनर है, उसके अंदर कौन सी गैस है भाई? ऑक्सीजन गैस है और ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम कितना? 20 dm³। वो यहां से इफ्यूज हो रही है, हमें इसका टाइम मालूम करना है कि ये कितनी देर में हो रही है। दोनों एक गैस का टाइम दे दिया हमें और एक गैस का मालूम करने को बोल ले, तो अब हम क्या करें भाई? हमने फॉर्मूला ड्राइव इसीलिए किया, सबसे पहले तो हमें ये पहचानना है कि 1 कौन होगा और 2 कौन होगा। H2 और O2 के अंदर कौन होगा हमारे पास 1 और कौन होगा हमारे पास 2? सर हमारे पास M1 H2 होगा और M2 है हमारे पास H2 को जो है वो 1 ले लेंगे और O2 को जो है वो हम 2 ले लेंगे। यानी यानी ये है कि जो वॉल्यूम दिया हुआ है ये किसका दिया हुआ है? H2 का दिया हुआ है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? V1। ये टाइम भी हाइड्रोजन का दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा? T1। ये हो गया हमारा V1 और ये हो गया हमारा T1। ये वॉल्यूम किसका दिया हुआ है? O2 का, तो ये क्या हो गया? V2। मालूम क्या करना है हमें? कैलकुलेट द टाइम और फ्यूजन ऑफ, तो मालूम हमें क्या करना है? T2। M1 क्या होगा? हाइड्रोजन का मॉलिकुलर मास कितना होगा? 2। और O2 का मॉलिकुलर मास कितना होगा? 32। तो डाटा बना लेते हैं भाई, अब हम अपने पास डाटा बना लेते हैं। डाटा हमारे पास क्या बनेगा भाई? V1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई? V1 10 डेसीमीटर क्यूब। V2 दिया हुआ है कितना? 20 डेसीमीटर क्यूब। T1 दिया हुआ है कितना? 10 सेकंड। M1 2 है, M2 32 है, मालूम क्या करना है आपको? T2 मालूम क्या करना है भाई हमें? T2 मालूम करना है। चले भाई, फॉर्मूला क्या होगा हमारा?
क्या था फॉर्मूला? वी वन टी टू अपॉन टी टू, वी वन टी टू अपॉन वी टू टी वन इज इक्वल्स टू अंडर रूट एम टू अपॉन एम वन। देख लो भाई ऐसा ही है ना, वी वन के साथ टी टू और वी टू के साथ टी वन, यानी अगर वॉल्यूम वन तो टाइम टू, ऐसे याद रखोगे याद रह जाएगा, या इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ऊपर m2 है तो ऊपर t2, नीचे m1 है तो इधर t1, ऐसे भी याद कर सकते हो। चले वैल्यूज को पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास v1 10 है, t2 हमें मालूम करना है, ठीक है भाई, हमारे पास v2 20 है और टाइम 10 दिया हुआ है, अंडर रूट 32 अपॉन 2, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ बच गया टी टू अपॉन 20, 32 अपॉन 2 करोगे तो ये 2 वन जा 2 16 जा अंडर रूट 16, तो टी टू अपॉन 20 अंडर रूट 16 होता है 4, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो टी टू बराबर आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर हमारा है 80 सेकेंड्स। देखो ना मैंने सॉल्व किया है कि आपका 5 क्यों आ रहा है, चेक करो। सर मैंने गलती से M2 की जगह हाइड्रोजन का डाला और M1 की जगह मैंने ऑक्सीजन का डाला, इस वजह से गड़बड़ हो गई, इस वजह से गड़बड़ हो गई। तुम्हारा जवाब आया 1 अपॉन 16 यानी 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 को जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 upon 4 को जब मल्टीप्लाई करोगे 20 से तो आंसर 5 आएगा, बिल्कुल सही है, उल्टा हो गया। तो भाई मुझे बताएं कि ये जवाब सही है, ये हम कैसे पहचानेंगे? हम ऐसे पहचानेंगे कि भाई अगर हमारे पास हाइड्रोजन का मास कम था तो उसे जल्दी फ्यूज होना चाहिए था, तो वो तो 10 सेकंड में हो गई। ऑक्सीजन का मास तो बहुत ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है, ऑक्सीजन का मास कितना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है, एक तो ये बात। दूसरा हमने 10 की जगह 20 लिया, हमने क्या लिया 10 की जगह 20 लिया है, तो इसी वजह से जो है वो हमारे पास ये टाइम ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमारे पास टाइम जो है वो ज्यादा आना चाहिए, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एक तो मास ज्यादा है, ऊपर से हमारे पास ऑक्सीजन के मास के अलावा वॉल्यूम भी ज्यादा था, क्योंकि इसका वॉल्यूम हमने 10 लिया था तो इसका हमने 20 लिया था। हम 10 लेंगे तब भी ज्यादा ही आएगा, अगर वॉल्यूम सेम हो तब भी ज्यादा आएगा। बेटे चैप्टर तो अभी काफी रह गया, क्योंकि अभी लिक्विड पढ़ना है, फिर सॉलिड्स पढ़ना है, चैप्टर 2 बड़ा है। हाँ जी, वो विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन अभी आएगा, फिर सॉलिड्स आएंगे। बेटे चैप्टर 2 चल रहा है, अभी 1 पढ़ा दिया मैंने। सर रिड्यूस में तो सॉलिड और ये लिक्विड नहीं है बेटा, है विस्कोसिटी का टॉपिक है, सरफेस टेंशन भी है, वेपर प्रेशर है और टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स तो बिल्कुल वो सॉलिड हो गया, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सॉलिड्स का हो गया, ठीक है, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर और सरफेस टेंशन लिक्विड का हो गया। हाँ जी एमसीक्यूज आते हैं, बिल्कुल हर चीज को डिस्कस करेंगे, आपको पता है कि मैं हर चीज डिस्कस करता हुआ जाता हूँ। अच्छा सर ये सवाल कहाँ से है, मतलब आपने बुक से किया हुआ है या फिर ये आपने खुद से बनाया भाई? नहीं खुद से नहीं बनाया मैंने, बिल्कुल भी खुद से नहीं बनाया, और किताब में ये टॉपिक नहीं है। बस मसला सारा ये, हमारा ये टॉपिक 10 ईयर में पहले ये सवाल आ चुके हैं, 2000 मेरे ख्याल से 18 में या 17 में भी ऐसा एक सवाल आया था कि वो पूछते हैं भाई कि इस टाइम में कितना टाइम वो होगा, तो इसीलिए मैंने इस चीज को पढ़ाया है। हालांकि हमारी किताब में ऐसा टॉपिक नहीं है, हमारी बुक में ऐसा सवाल नहीं है, मगर 10 ईयर में क्योंकि सवाल आ चुका है कोई 3-4 बार, तो इसीलिए जो है वो मैंने कराया ये। मोस्टली लोग जो पढ़ा रहे होते हैं भाई, माजरत के साथ मैं उन्हें बुरा नहीं कह रहा, ठीक है, और ना मैं बहुत अच्छा हूँ,
क्योंकि वो सिर्फ किताब को फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो ये न्यूमेरिकल छुड़वा के चले जाते हैं। तो इसीलिए जो है वो, मैं जो अभी आपको तीन सवाल कराऊंगा, तीन सवाल हैं टोटल, वो तीनों सवाल टेनियर हैं, ये इनमें से मैंने एक सवाल कराया था, अभी अभी दो रह गए, वो दो अब आप खुद भी कर सकते हो, मैं आप लोगों को अभी लिख देता हूं यहाँ पर। ये कॉपी कर लिया है तो फिर मैं आगे चलूं। लिख दे। चलिए जी, सवाल अब लिख लेता हूं मैं आपको यहाँ पर। हमारे पास सवाल है, हीलियम टेक्स फाइव सेकेंड टू इफ्यूज फ्रॉम अ होल ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब कंटेनर। हाउ लॉन्ग नहीं, एक मैं कराऊंगा, एक आप करेंगे। हशाम, क्वेश्चन या आंसर? ये रहा भाई क्वेश्चन, कर लो कॉपी। चलो हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ऑक्सीजन टू इफ्यूज फ्रॉम द सेम कंटेनर हाँ जी, लिख दिया मैंने सवाल। हीलियम टेक्स, हीलियम है हमारा एची, और एच ई का हमारा मास होता है 4, और ऑक्सीजन का मतलब है भाई ये ओ टू, और ओ टू कितना होगा 32। अब बताओ आर वन कौन बनेगा? हीलियम, हीलियम वन बनेगा और ऑक्सीजन 2 बनेगा। तो चले भाई, यानी हमारे पास, मैं कलर चेंज कर लूं ताकि आप लोगों को वाजे नजर आए कि ये हीलियम का टाइम है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा T1, और ये हीलियम का वॉल्यूम है तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा V1। हमें मालूम करना है हाउ लॉन्ग, यानी T2 मालूम करना है। अच्छा जी, अब इन्होंने उसका मास नहीं, वो वॉल्यूम नहीं दिया, बट इन्होंने एक बात लिखी है। क्या लिखी है? हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ऑक्सीजन टू इफ्यूज फ्रॉम सेम कंटेनर। सेम कंटेनर से मुराद ये है कि जितना वॉल्यूम हीलियम के लिए दिया है उतना ही वॉल्यूम किसका होगा? O2 का होगा। जब इन्होंने सेम कंटेनर की बात लिख दी तो उसका मतलब भाई दोनों का वॉल्यूम क्या है? सेम है। दोनों का वॉल्यूम क्या है भाई? सेम है। यानी V2 भी कितना होगा हमारा? 10 डेसीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि यहाँ पर V1 10 है, तो सेम वॉल्यूम जो है वो हमारे ऑक्सीजन के लिए ले रहे हैं, तो इसीलिए V2 भी क्या होगा? 10 होगा। चले भाई, डाटा अगर मैं बनाऊं तो हमारे पास T1 दिया हुआ है 5 सेकेंड, V1 दिया हुआ है 10 dm³, V2 दिया हुआ है 10 dm³, M1 हमारा हो जाएगा 4, M2 हो जाएगा हमारा 32। मालूम हमें अब भी करना है क्या? T2। चले जी, फॉर्मूला था हमारा V1 T2 upon V2 T1 is equals to under root M2 upon M1। हाँ जी, चले वैल्यूज को पुट करते हैं। 10, T2 मालूम करना है, नीचे भी 10, T1 5 दिया हुआ है, is equals to under root 32 upon 4। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, T2 upon 5 is equals to 32 upon 4। तो 4 के टेबल में 32 आता है, बिल्कुल आता है,
एट से आता है, अंडर रूट एट। अंडर रूट एट जो है वो हमारा क्या होगा, अंडर रूट एट हमारा होगा 2.82 t2 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू, जी बेटे 2.82, ये यहाँ मैं डिवाइड, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो t2 इज इक्वल्स टू 2.82 मल्टीप्लाई बाय 5, तो t2 आपका आ रहा है 14.1 सेकंड्स। देखें अभी भी टाइम ज्यादा आया ना 5 से, सेम वॉल्यूम लिया था, 10-10 लिया, 10 dm क्यूब बोली, 10 dm क्यूब ये ली, बट वॉल्यूम सेम होने की वजह से भी टाइम क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हीलियम का मास कम है तो वो जल्दी इफ्यूज होगी यानी कम टाइम लेगी, और हमारा ऑक्सीजन का मास ज्यादा है तो इसीलिए उसने ज्यादा टाइम लिया इफ्यूज होने के अंदर। समझ गए भाई? जी सर। सर आपने बताया था कि ये लोग अभी नया वो डालेंगे सिलेबस, जो रिड्यूस सिलेबस था इन्होंने रीचेकिंग के लिए लिया था, वो नया डालेंगे। वापस आ गया ना, वापसी आ गया तो सर मैं देख रहा हूँ उधर आया भी नहीं। कहाँ नहीं आया? एजुकेशन उनका रांची में नहीं भाई, वो अभी उनका रिड्यूस सिलेबस मेरे पास रखा हुआ है पीडीएफ में। उन्होंने क्या किया कि जो चीज़ें गलत थी ना सिर्फ उन्हीं को रिड्यूस कर दिया, या जो चीज़ें गलत थी उन्हें सही कर दिया, बाकी कहा कि जो जैसा था वैसा ही होगा। सर आप है ना ये वो फेसबुक वाले जो ग्रुप है ना शादी वाले में, उसमें डाल दें लिंक, लिंक उसमें लिंक डाल दो। चले मैं एक काम ये करूँगा, लिंक जो है ना वो मैं डायरेक्ट आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, फेसबुक हमारे व्हाट्सएप वाले। सही सर, है ना, सबके लिए आसानी हो जाएगी, सबके लिए आसानी हो जाएगी। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, अभी इंशाल्लाह आप लोग जब कोचिंग जाएंगे या कभी एक आध दिन जाना हुआ तो वो आप लोगों को एक बुकलेट दे देंगे जिसमें हमारा रिड्यूस सिलेबस है हर सब्जेक्ट का। अच्छा ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। अच्छा सर ये पेपर कब कंटेन करेंगे फिर, ये जुलाई में? हमारे पेपर देखे भाई, अभी उन्होंने कहा था कि एक मंथ आगे बढ़ा देंगे ना, जैसे एक मंथ का लॉकडाउन किया तो वो पेपर्स को भी एक मंथ आगे बढ़ा देंगे, तो हमारा वैसे पेपर होना था जून में, तो अब मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है जुलाई में हो, तो हम तो अपना माइंड जून का ही बना के बैठेंगे भाई, इसलिए क्योंकि हमें अपना सिलेबस जून से पहले खत्म कराना है। जी जी, अगर इन्होंने मतलब कि जनवरी तक ऑनलाइन क्लासेस का करा तो फिर क्या होगा सर? जनवरी तक ऑनलाइन क्लासेस का कह रहा तो भाई जुलाई में होंगे पेपर, तो बहुत बुरा होगा सर। ठीक है जी, तो पेपर आगे जाएंगे, अब पेपर जब आगे जाएंगे तो भाई हमारे पास जो है वो सर कोचिंग कब आना है? कोचिंग कब आना है बेटे? शायद कल आना हो कोचिंग ना सबको। क्यों सर? मिस फिजा आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगी, बिल्कुल केमिस्ट्री वाली टाइम में, ताकि किसी को कोई, हाँ शायद कंफर्म होगा, कंफर्म अभी मैं मिस फिजा से कर दूंगा, पूछ करना। क्यों आने सर वैसे? या अगर किसी के कोई मसले मसाइल होंगे तो वो फिर कल हम डिस्कस कर लेंगे ना, क्योंकि हमारी कितनी ऑनलाइन क्लासेस हो गई। सर दूसरी क्लास है उसके लिए दोबारा कर जाएं या वो भी वहीं पे हो जाएगी? ऐसा ही होगा बेटा, उसके लिए तो यही डिस्कस करना है मुझे कि ये मसला है, क्योंकि अगर मैं कल बुला लेता हूँ तो बाकी क्लासेस डिस्टर्ब होंगी ना, तो सर आप अपनी क्लास बाद में रख लें। हाँ ये भी कर सकते हैं कि मैं अपना टाइमिंग या शेड्यूल चेंज करवा लूँ मिस से कहकर। सर ये टाइमिंग है ना, आप थोड़े देर की रख लें, ये 3 बजे वाली ना करें भाई, जुमे को मसला होता है 3 बजे, बाकी हर टाइम बाकी दिन में मसला नहीं होता। कल अगर सर हम आ जाते हैं, चले आ गए हम, ठीक है आपको भी टाइमिंग बता दी। जी जी मैं बिल्कुल अभी मिस फिजा से डिस्कस करके और फिर जो है बता दूंगा कि आना भी है या नहीं आना, और अगर आना है तो किस टाइम आना है। ठीक है, अच्छा बात हो रही थी, हश्याम भाई ने मुझसे कुछ पूछा, हश्याम भाई आपने मुझसे पूछा कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में, भाई मेरे ख्याल से 19 दिसंबर थी। नहीं सर 19 नहीं है, मैं आज गया था नेशनल कॉलेज जी, तो उन्होंने बोला कि लास्ट डे आपकी 25 है, 25 दिसंबर है, दिसंबर इसमें मेरा वो है ना, ये मेरा माइग्रेशन कराई थी तो उस चक्कर में मेरा है। ठीक है तो 25 दिसंबर सुन ली भाई, 25 दिसंबर है, परमिशन पूछा था मैंने तो उन्होंने बोला कि 25 है आखिरी, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी, अच्छा एक सवाल और मैं लिख रहा हूँ ताकि आप लोग घर पे अटेम्प्ट कर लें।
आप लोग बस सवाल कॉपी कर लें, टाइम काफी हो गया है वैसे। हाँ जी, इनरोलमेंट की 25 है और काम मैं अभी सेंड कर दूंगा। ठीक है भाई, ये सवाल है आपका। बेटे सिलेबस आप ऑफिस जाए ना तो वहां पूछ लिएगा, मिस के पास होगा, नहीं होगा तो केमिस्ट्री का तो मैं खुद दे दूंगा। सर आज अगर आज गए तो दे देंगे ना वो लोग जो रिड्यूस सिलेबस का, क्योंकि कल एडमिन वालों की तरफ से वो ग्रुप में भी डाला था उन लोगों की अभी बिल्कुल जाके बिल्कुल हासिल कर सकते। जी जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये बात अभी कही क्योंकि मैंने भी ग्रुप पे मैसेज पढ़ने के बाद कहा, तो आप जाके पता कर लिएगा ना। अच्छा सर, अगर हम इस तरह चलते हैं तो हम, मुझे तो नहीं लगता कि हम एंड तक सब कुछ याद कर लेंगे। पढ़ाने की बात मतलब नहीं कर रहा, याद करने की बात कर रहा हूँ मैं। बेटे अगर इस तरह से आप अपना अपनी प्रिपरेशन भी साथ साथ लेके चलोगे तो हो सकता है। मसला ये कि सर हम अपनी तो तो पढ़ा रहे कुछ हैं, सर, हम तो पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें जमा हो रही हो रही हो रही हो रही हो रही, और जब वो जमा हो जाएंगी ना उसके बाद फिर जब एक साथ पढ़ने बैठेंगे ना फिर टेंशन होगी, तो बिल्कुल बेहतर। होगी। लेकिन हाँ अब, आहिस्ता से कुछ समझ नहीं आ रहा कि आज क्लास हुई, कुछ अजीब सा कुछ हो रहा होता, समझ नहीं आ रहा होता। देखिए, केमिस्ट्री की क्लास जिस टाइम हो रही है उसी टाइम हो रही है, ऐसा ही है, टाइमिंग में तो कोई फर्क नहीं आ रहा। बिल्कुल जो चीज हम फिजिकली पढ़ना चाह रहे थे वही हम अब ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, बस फर्क ये कि बस एक इंटरेक्शन नहीं है, बस वही तो मसला है। बिल्कुल बस एक इंटरेक्शन ना होने की वजह से जो है वो हम जो है वो एक हम ठीक, इंशाल्लाह इसीलिए कोई एक आध क्लास फिजिकली यानी एक आध वैसे रख लेंगे ताकि हम लोग जो है वो कोई भी मसले मसाइल है वो तो वो डिस्कस हो सके, ताकि एक फिजिकल इंटरेक्शन भी रहे। जी बस जो कह रहे हैं सर एक फिजिकल क्लास कर लेंगे, जैसे आपने जी, कल का जैसे बोलना है, कल आ गए हम बेटे जरा बीस सब बच्चों स्टूडेंट अंदर। जरा एक मिनट, मुनीप बेटे उमर मिस कुछ कहना चाह रही है तो जरा आप लोग सुन लें, मिस अभी हैं जी हमारे साथ क्लास में ना, तो मिस की जरा बात सुन लें आपको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है सबको मेरी? जी जी मिस आ रही है। यस आ रही है, आ रही है। सारे स्टूडेंट्स से मैं एक बात बोल रही हूँ, जिस जिनकी भी फीस पे नहीं है बेटा वो फीस पे कर दें आज रात 9 बजे तक। कल से मैं क्लास नहीं लेने दूंगी, अलाउ नहीं करूंगी क्लास में, ठीक है? अगर कोई इशू है तो बेटा मुझे प्राइवेट मैसेज में बता दें आप लोग। बाकी और जिनकी फीस पे हो गई है वो इग्नोर कर दें, और जिनकी नहीं हुई है फीस पे वो पे कर दें बेटा आज रात 9 बजे तक। सही है? थैंक यू सर। ठीक है भाई, तो इंशाल्लाह मैं मिस से जो है वो रابطہ करके और आप लोगों को बताऊंगा कल का, तो जो भी होगा इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ग्रुप पर जो है वो इन्फॉर्म करवा देंगे। आप ये सवाल जो है वो कल करके आइएगा, अब जैसा भी हो ऑनलाइन हो या फिर कल फिजिकल हो, तो इंशाल्लाह जो है वो हम इसको कल देख लेंगे। ठीक है, तो हमारा गैसेस का टॉपिक खत्म हो गया इंशाल्लाह, अब हमने लिक्विड शुरू करना है। और भाई किसी का कोई भी इशू हो भाई मैं व्हाट्सएप पे हाजिर हूँ, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दें ठीक है, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल जवाब दूंगा, बट क्लासेस की टाइमिंग के दौरान नहीं करिएगा क्योंकि मैं 7:30 बजे तक तो मुसलसल पढ़ा रहा होता हूँ, उसके बाद आप मैसेज करेंगे तो मैं यकीनन आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जो है वो कोई भी इशू हो किसी का भी, कोई भी कंफ्यूजन है कोई टेंशन है भाई, तब भी